डाको का तो जवाब नहीं। हे, ये तुमने खुद बनाया पाको? मैं तो बहुत खुश हो गया, मुझे पाको के हाथों का बना स्कार्फ मिल गया। बहुत मुश्किल था पर मैंने मन लगाकर कोशिश की। हाँ, ये नंबर वन के लिए है। अच्छा अच्छा, नीला वाला मेरे और बूबी के लिए और लाल वाला तुम्हारे और नंबर वन के लिए है ना? अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ दो ही लोगों के लिए लाल रंग बचा था, इसीलिए दो ही बना सकी। कोई नहीं कोई नहीं, हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है पाको। हाय, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। अरे ये क्या है नंबर वन? ये तो मिचिको ने तोहफे में दिया है। मिचिको ने कहा ये मैंने अपने दिल से परमैन के लिए बुना है, प्लीज इसको मेरा गिफ्ट समझकर इस्तेमाल करना अच्छे से। और तुम दोनों को ये स्कार्फ किसने दिया? ये तो भाई सस्ता वाला सेल में मिलने वाला स्कार्फ लग रहा है, वैसे ठीक ही ठाक है। क्या कर रही हो, तुमने ऐसा क्यों किया? और तब से नंबर वन और पाको एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हमने पहरेदारी के समय उन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की पर वो अलग अलग दिशा में चले गए। सुमीरे पाको की अच्छी दोस्त है और नंबर वन उसका फैन है, मुझे लगता है कि वो इन दोनों को मिला सकती है। मैं उससे बात करके देखता हूँ। सुमीरे के पास रोबोट है, इसका मतलब वही पाको है। अरे नहीं, सुमीरे है पाको? पाको ऐसा तुमने क्यों किया? अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुपरस्टार सुमीरे ही असल में हमारी पाको है। ये बात सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं, अभी जाकर पाको से असलियत निकलवाता हूँ। देखो पाको, मुझे पता है कि तुम ही हो सुपरस्टार सुमीरे। देखो प्लीज ये बात किसी को मत बताना, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज। पायन तुम आज रात दिनों तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है ना? पर क्यों पायन? मेरी एक नई दोस्त है और वो बहुत अच्छी है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी के लिए गुड नाइट। बोलो पर मैं नंबर वन बोल रहा हूँ, इतनी रात को क्या काम है? तुम क्या बोल रहे हो नंबर वन, पहरेदारी पर नहीं आ रहे हो क्या? आज रात तो मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत नींद आ रही है। तुम एक नंबर के आलसी हो। ओहो, कैसी लड़की है ये, इसे किसी ने आराम से बात करना सिखाया ही नहीं क्या? मेरे लिए तो उसकी आवाज परी जैसी है, मैं तो उसकी मदद करने जा रहा हूँ, तुम आराम से सोना। हैया, नंबर वन बहुत ना समझ है पाको। हाँ सही कहा, वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करता, बस मिचिको की मदद करने चला जाता है, लेकिन मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी भी कहीं भी, तुम फिक्र मत करो। मुझे धक्का मत दो पायन। मुझे माफ करना। पायन, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? नहीं पाको। मतलब सुमीरे। हाँ? तुम्हें सुमीरे का ऑटोग्राफ चाहिए क्या? हाँ वो भी ले लूँगा, कहीं खाने चले? मुझे नहीं खाना। मेरी बात याद रखो, कभी भी उस आलसी नंबर वन से दोस्ती मत करना वरना पछताओगी। क्या मतलब? वो सब जाने दो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी। ठीक है, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अच्छे हो। तुम इसमें अच्छी लग रही हो, ठीक है तो मैं चलता हूँ, गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया पायन। सुमीरे। हाय मिचिको, कैसी हो? अच्छा सुनो, क्या परमैन ने मेरे स्कार्फ के बारे में तुमसे कुछ कहा? हाँ, उसने कहा है कि जब भी वो पहरेदारी करने के लिए बाहर निकलता है स्कार्फ पहन कर ही निकलता है। सच में? अगर वो उसे न पहनता तो पता नहीं मैं
तुम इतनी खुश हो मिचिको? मैंने उसे अपने पसंदीदा इंसान के लिए बनाया था, मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे हाँ, इसे ऐसे हमारे लिए तो ऐसा कोई करता ही नहीं। साबू, हाँ? मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे लिए और मुझे तुम्हारे लिए स्कार्फ बनाना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिख लेता हूँ। आ गया मित्सुओ। क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं सोच रहा था पाको से माफी मांग लूं। लेकिन अचानक क्या हो गया? मैं समझ गया, मैंने पाको का दिल दुखाया है, अनजाने में ही सही पर दुखाया तो है। नहीं, इन दोनों की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। मित्सुओ, तुम ना समझ लड़की के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? वो झूठी है, गुस्सा करने वाली है और मनमानी करती है। तुम उसके लिए बुरा मत मानो। उसने तुम्हें बिना पूछे ही स्कार्फ बनाया और देने चली आई। उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। पाको नहीं है? कहाँ चली गई? जाके उसे ढूंढता हूँ। हैया, क्या कहा? उसने तुम्हें भी रोका? इसका मतलब तुम्हें भी? कल शाम वो तुम्हारी इतनी बुराई कर रहा था और कह रहा था उसे दोस्ती मत करना। तो क्या मेरी तरह वो तुम्हारी भी बुरी? लगता है पायान का ये अजीब बर्ताव हम दोनों को मिलाने की चाल थी। नहीं, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जब पायान तुम्हारी बुराई कर रहा था तो मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, मुझे भी। अब समझा, पायान बुरा बना और हम दोनों को ऐसे मिलने पर मजबूर किया ताकि हम दोस्त बन जाए। बेचारा पायान कितना अच्छा है। मैंने डरा दिया ना? बिल्कुल सही कहा। देखा, मैंने तुम दोनों को मिलवा दिया, अब तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। मेरा लाल स्कार्फ में बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत ठंड है, मैं ओसाका चला जाता हूँ। पायान, अच्छा हुआ तुम हमें मिल गए। मैं ये सुमिरे की डॉल लाई हूँ जो उसने अपने फिल्म में इस्तेमाल की थी। मैं तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पर देती हूँ हमारी दोस्ती कराने के लिए। शुक्रिया। देखो ये कितनी अच्छी बनी है। ये तो सुमिरे है। लेकिन मुझे ये बताओ कि कल से पहले ये कहाँ थी? शायद सुमिरे के कमरे में होगी। इसका मतलब जैसा मैंने सोचा वो सही नहीं है। मतलब सुमिरे पाको अलग अलग है। कितना बुद्धू हूँ। अब अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या हुआ पायान, इतना हंस क्यों रहे हो? बात ही कुछ ऐसी।